सभी को इस होली के अवसर पर और यहाँ पर इस होली आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर संतोष वर्मा, डॉक्टर शुक्ला जी, मेरे सभी विद्वान साथी, हम सभी एक परिवार के रूप में होली को मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने अपने भाव प्रकट किए, जैसे होली के सात रंग हैं, उन सात रंगों के अनुसार सारी भावनाएं यहाँ पर आ चुकी हैं और बहुत कुछ आप लोग बोल चुके हैं। मैं उसमें सहमत हूँ, केवल आगे की बात ये करूँगा कि वास्तव में जितनी जीवंतता आज तक आपके ऊपर है, आपके जीवन में है, वो लगातार बढ़ती रहे, बनी रहे। आप वास्तव में जो कहा गया कि बचपना रहना चाहिए, उस बचपने को याद करते हुए आप आगे बढ़ें और जो आपके परिवार का जो बचपना आपके साथ बना हुआ है आज, उसको हमेशा खुशियाँ दें। ऐसा मैं सबके परिवार के साथ चाहता हूँ, सबके साथ ये हरा भरा रंग बिखरे, परिवार में खुशियाँ रहें। जिस तरह से होली के रंग हम बिखेरते हैं, उस तरह से जीवन के रंग हमारे परिवार के साथ, ये पूरा एक परिवार है। हम केवल अपने बच्चों को ही परिवार न समझें, ये हमारा संस्थान, हमारा एक परिवार है, हम परिवार के एक सदस्य हैं। तो सदस्य के रूप में यदि किसी को थोड़ा सा कष्ट होता है तो परिवार के सभी सदस्यों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यदि परिवार के किसी सदस्य को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है तो सारे सदस्य जो है प्रसन्नचित रहते हैं, खुश रहते हैं। तो होली का रंग यही बताता है कि वो सप्तरंगी होते हुए भी हमें एक रंग में प्रकाशमय दिखाई देता है। तो उस तरह से हमारे ये संस्थान आगे बढ़ते रहते हैं, उसमें सारे रंग बिखरे हुए हैं, आप उसी सारे रंगों के जो है एक उसके भाग हैं। मैं यहाँ पर हमारे 50% से कम लोग हैं, बाकी तो इधर उधर अपनी ड्यूटियाँ उसमें हैं। और मेरी उनसे ये विनती है चुनाव के कार्यक्रम में, क्योंकि उनको बहुत सारा अपना योगदान देना है, तो छुट्टियाँ जो घोषित की गई हैं, डॉक्टर साहब ने जो बताया कि खुशियाँ तो थी लेकिन आना है, तो उन लोगों को वास्तव में अपनी ड्यूटी में बने रहना है। और अन्य लोगों को भी ये सूचना है कि मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, बिना जिला निर्वाचन कार्यालय की अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। सभी पदाधिकारियों कर्मचारियों को ये सूचना है, तो हम लोगों को बने रहना है, बहुत दूर तक हम न जाएं, विदिन 8 आवर 6 आवर हम मुख्यालय पर पहुँचें, इस तरह से अगर आप रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो होली के अवसर में मैडम ने बहुत कुछ सुना दिया है, मैडम पल्लवी ने पूरी अपनी यात्रा के बारे में बताया है, मैडम ने सबको शुभकामनाएं देती हैं, डॉक्टर नेथानी जी ने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, खाती जी ने भी अपना गाना सुनाया, सभी लोगों ने बहुत सुंदर ढंग से अपनी बातें कही। और मैडम आशा रंगोली ने शुरुआत की है गाने से, है ना, इसी तरह से मैडम सुजाता ने भी अपनी बात, अपने जो लिखा हुआ है कविता थी, उसके माध्यम से हम लोगों को जो है होली के बारे में अपनी भावना को रखा है। और डॉक्टर साहब तो हमेशा होलीमय रहते हैं, वो हर बात में एक भावुकता के साथ, एक रंग के साथ अपनी बातों को रखते हैं और कार्य को बहुत आसानी से संपादित करते हैं। तो मैं बहुत कुछ न कह के सब जो कुछ आप लोगों ने कहा है उसमें अपनी सहमति और अपनी भागीदारी उसमें मानते हुए आप सबको, सब परिवार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि परिवार में हमेशा आनंदित रहें, परिवार में हरा भरा जीवन हम लोगों का सबका चलता रहे और ये रंग बिखरे। जो संचालिका महोदय हैं मैडम पंचोला, बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं और हर कार्यक्रम को संचालित करती हैं, उन्होंने और अच्छे ढंग से रंग को बिखेरा है। तो मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबका अभिनंदन करूँगा कि वास्तव में मेरा आपके साथ इस कार्यकाल का ये होली मिलन का इस तरह का कार्यक्रम एज ए स्टाफ क्लब के अध्यक्ष के नाते अंतिम होगा, लेकिन मैं यदा कदा आपके बीच में रहूँगा, कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहेगी। ये जीवन बहुत छोटा है और ये दुनिया भी बहुत छोटी हो गई है, ऐसा नहीं कि मैं आज यहाँ हूँ तो अब आप चले गए तो कहीं नहीं मिलेंगे, हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जरूर कोई ना कोई मिल जाता है, अरे ये तो वहाँ पढ़ा हुआ था, ये वहाँ सर्विस करता था, ये मिलते रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों की मुलाकात होगी किसी न किसी फंक्शन में, किसी न किसी जगह पे।
आप लोग याद करेंगे तो निश्चित आएंगे और हम भी आपको याद करते रहेंगे, क्योंकि अपने जीवन की यादें बुढ़ापे में तो पीछे वालों को याद किया जाता है, आगे तो कोई होता ही नहीं, तो जो पीछे रहते हैं उन्हीं को याद किया जाता है कि वो कैसा होगा, वो क्या चिंता बनी रहती है, या ये होता है कि उसने क्या किया होगा, आगे कितना और आगे बड़ा होगा, तो ये ध्यान रहता है। मैनेजर मैं गोपेश्वर से यहाँ आया या अभी ऋषिकेश से आया, तो अभी ऋषिकेश का भी ध्यान आता है कि वहाँ देखो ये हो गया, ये गोपेश्वर में ये हो गया, ये हो गया, हम उससे कोई बहुत दूर है लेकिन फिर भी वो बातें सामने आती हैं। तो जीवन ऐसे चलता है। आप सब बहुत प्रसन्नचित रहें, आनंदित रहें और सबके परिवार के लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।